ब्रेकिंग न्यूज, इस समय की सबसे बड़ी खबर भिंड मध्य प्रदेश से, जहां सिंध नदी मेहदा पुल खैरा घाट पर एक युवक डूबा। दरअसल मामला भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र का मेहदा पुल खैरा घाट का है। जी सर, क्या मामला है, जो लड़के डूबने की घटना आ रही है सामने, क्या लगता है? माता पिछले भीड़ काफी थी, एक लड़का ऐसा लगा कि जैसे डूब गया था, रात दो लड़के उसे पकड़ के लाए, उनका कहना यह था कि एक ही लड़का था और जिसको लेके आए उसका कहना यह एक मेरा चार लड़का और था जिसका नाम छोटी था, 15-16 साल उम्र, तो कपड़े ऊपर रखे, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसे डूबते हुए देख के रखी भाई वाकया हो। यहाँ माता विसर्जन के दौरान ब्रह्मापुरी चतुर्वेदी नगर भिंड से युवक विसर्जन के लिए आए थे, वहीं विसर्जन के दौरान 3 लोग डूबे, 2 को स्थानीय लोगों ने बचाया, लेकिन अमन और छोटू सन ऑफ दीप सिंह ब्रह्मपुरी भिंड चतुर्वेदी नगर की डूबने की आशंका जताई जा रही है। माता लेके आए हैं विद्या विकास स्कूल के पास से, तो वहाँ आगे चल के एक मूर्ति और थी धाराभाई साहब की छोटी, उन्होंने कहा हम भी ले चल रहे हैं, तो हमने भी आप भी ले चलो, उनके साथ में ये लड़के भी आ गए, तो ये 2-3 लड़के थे यहाँ आके, ये हम सड़क पे प्रसाद लेने लगे और ये लोग तब तक उतर के यहाँ पे आ गए नदी पे, नदी में जो कूद गए नहाने के लिए, दूसरी कोई माता थी उनके साथ में ये अंदर चले गए, अंदर जाके ये तीनों डूब गए थे, बताया लोग बागों ने, यहाँ हम लोग जब तक आए तो ये डूब गए थे, 2 लोगों को बचा लिया। छोटू की उम्र 15 वर्ष है, उसके साथ ही रोहित ने कपड़े भी बताए, छोटू को डूबते हुए उसी ने देखा, इनके साथ करीब आधा दर्जन युवक थे, अमन और छोटू चौहान, छोटू श्रीवास, सनी विजय, रोहित, ये लोग बेवली गांव के बताए जा रहे हैं। कितने लोग गए थे नदी में? आए 4-5 लोग। तो कौन कौन थे आपके साथ? चांद सिंह, छोटू और सनी और दद्दू। डूबे कौन कौन थे? अमर छोटू। और किसे निकाला, किसे? वो आगे आगे भैया थे दोनों, उनके नाम नहीं जान, जो कि ब्रह्मपुरी भिंड में रहते हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, होमगार्ड के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ज्ञान न्यूज की रिपोर्ट।